Today we will discuss about one of our topic, that is vitamin. So vitamin name was suggested by the scientist whose name was Dr. Casimir Funk in 1912. You can easily recognize the name of the doctors who's discovered the name of vitamins, that is Casimir. According to Kashmir, you can easily recognize the name Casimir, the scientist who suggests the name of vitamins. Now, what is the meaning of vitamin? Vitamins are the two words, vita plus min. The vita word means life. So vitamins are essential for life and health. And main role of vitamin is it's regulate metabolism, help in growth, maintain our body and protect against disease. So vitamins are required by the body in very small amount in various biochemical reactions. So vitamins are mainly two types. One is fat soluble vitamins, another is water soluble vitamins. So according to fat soluble vitamins, these vitamins associated with fat, and excess amount of these vitamins are stored in the body. So fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. And water soluble vitamins are B and C. So today we will discuss about vitamin A. So dear students, vitamin A is another name is retinol. So retinol mainly obtained or discovered, or we can got from animal source. So animal source means we can got vitamin A retinol from milk, butter, ghee, liver, that is liver oil, shark liver oil, cod liver oil. Now plants that didn't contain retinols. तो अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें विटामिन ए प्लांट से नहीं मिलेगा? प्लांट से विटामिन ए मिलेगा, लेकिन डेट इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड्स हमें प्लांट से मिल रहा है, डेट इज प्लांट फूड डू नॉट कंटेन रेटिनॉल्स. एंड द प्लांट्स हुज हैविंग येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट, दे हैव कैरोटीनॉइड्स. नाउ कैरोटीनॉइड्स that convert into retinol inside our body. So कहने का मतलब है, plant से हमें carotenoids मिल रहा है, carotenoids convert हो रहे हैं retinol से inside our body. अब plants foods के अंदर एक mainly content है, उसको बोलते हैं beta carotene. So beta carotene is mainly present in carotenoids in plant food, और इसके source होते हैं mango, पम्पकिन, डेट इज कद्दू, पपेया, कैरेट, यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स कंटेन बीटा कैरोटीनिन. अब हम कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, दे कंटेन द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्रोवाइड द ग्रीन कलर्स टू द प्लांट्स, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल आल्सो कंटेन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. और कौन कौन से ग्रीन ऐसे वेजिटेबल प्लांट्स हैं जो हमें कैरोटीनॉइड्स दे रहे हैं? That is spinach, पालक, mustard leaf, सरसों, fenugreek, मेथी. These are the rich source of beta carotene. अब आगे question आ जाता है, इसकी absorption and storage कैसे होगी? Vitamin A की absorption and storage. So vitamin A enter in the बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए जब एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ या तो रेटिनॉल या कैरोटीन, कैरोटीन की फॉर्म में दैट एंटर इनसाइड अवर बॉडी. आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल
सेल जो रेटिनोल है, रेटिनोल अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा किसके साथ, दोज टिश्यूज डेट कंटेन द फैट। अब ये फैट के साथ अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन्स। अब हम इसको रिपीट अगेन कर रहे हैं, द पर्संस हु आर टेकिंग वेजिटेबल्स वो क्या रिसीव कर रहे हैं, कैरोटीन, कैरोटीन्स कन्वर्ट इनटू रेटिनोल्स, रेटिनोल्स हमारी बॉडी के अंदर जाके एक अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। अब ये काइलोमाइक्रोन्स आके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएंगे। सो 90% ऑफ विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर और 10% विटामिन्स आर स्टोर्ड इन किडनी, लंग्स एंड एड्रीनल ग्लैंड। सो अकॉर्डिंग टू द नेम फैट सॉल्युबल विटामिन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ बाइल एंड फैट। नाउ प्रोटीन्स आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोर्ड विटामिन ए टू द अदर बॉडी टिश्यूज। सो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ न्यूट्रिएंट्स आर इंट्रैक्ट टू ईच अदर्स। अब आगे आ जाता है वॉट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए मेनली यूज फॉर मेंटेन द नॉर्मल विजन। अब नॉर्मल विजन है हमारा रेटिना है, रेटिना के आगे दो तरह के सेल है, टू काइंड ऑफ सेल, वन इज रॉड शेप अनदर इज कोन शेप। जो रॉड शेप है डेट आर वेरी सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड जो कोन शेप है डेट रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट। अब जो रॉड शेप है डेट कंटेन ए पिगमेंट उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ए प्लस प्रोटीन। जैसे ही ब्राइट लाइट आंखों पे पड़ती है ये रोडोप्सिन्स ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होके डेट आर कन्वर्ट इनटू विटामिन ए एंड प्रोटीन। और जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर डिम लाइट पड़ती है विटामिन ए एंड प्रोटीन आपस में मिलके कंबाइन टू रीजनरेट द रोडोप्सिन। सो रोडोप्सिन इज हेल्प टू सी इन डिम लाइट। अगर हम इसको एक लेमैन लैंग्वेज में आप स्टूडेंट्स देखें तो रोडोप्सिन इन ब्राइट लाइट चेंज इनटू विटामिन ए एंड प्रोटीन और इन डिम लाइट विटामिन ए एंड प्रोटीन्स फॉर्मेशंस ऑफ रोडोप्सिन। दूसरा इसका काम है सपोर्टिंग ग्रोथ। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। थर्ड इट्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज। कैसे? सो विटामिन ए इज कीप द एपिथेलियल टिश्यूज टू मॉइस्ट। एपिथेलियल टिश्यू को मॉइस्ट रखेगा, हेल्दी रखेगा। एपिथेलियल कौन कौन से टिश्यू हैं? एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ आईज एंड ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन एंड लंग्स, इनको ये मॉइस्ट रख रहा है। अगर विटामिन ए ना हो या विटामिन ए की कमी हो देन एपिथेलियल टिश्यूज बिकम ड्राई एंड क्रैक। इफ इट्स क्रैक देन जर्म्स एंटर इनटू द सेल एंड कॉज द डिजीज डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड आई इन्फेक्शंस। एंड वन न्यू स्टडीज आल्सो रिपोर्टेड दैट विटामिन ए इज हेल्पफुल इन ब्रोंकियल कैंसर। ये थे इसके फंक्शन। अब डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो सकता है? वन इज नाइट
blindness. Means the person is unable to see in dim light. And this condition occur when child infected by the infection of diarrhea. अब मैंने infection of diarrhea क्यों बोला, क्योंकि हमने ऊपर कर चुके हैं डायरिया जब एपिथेलियल टिश्यूज मॉइस्ट नहीं होते तो ये क्रैक हो जाएंगे, क्रैक होने के बाद आंखों के अंदर इन्फेक्शंस हो जाएगी और डायरिया हो सकता है. इसकी वजह से बच्चों के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है. सेकंड है जो डेफिशिएंसी, डेट इज कॉन्जनसी वाइटल जीरोसिस. मीन्स सिक्रीशन ऑफ टीयर इज डिक्रीज, आंखों के अंदर आंसू बनना कम हो जाएंगे. डेट इज कंजंक्टिवाइटल. थर्ड इज कि रेटोमेलेसिया. मीन्स जो कॉर्निया है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आंखें कोलैप्स कर जाएंगी और विजन लॉस्ट हो जाएंगी. एंड हम कहते हैं ये बंदा ब्लाइंडनेस आ गया. सो द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर ड्यू टू विटामिन ए. फोर्थ इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ एपेटाइट होगी. मीन्स उसको भूख नहीं लगेगी, ग्रोथ रुक जाएगी, रिटार्डेशंस ऑफ ग्रोथ, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होगा. अब ये चीजें होगी तो क्या इसका इलाज भी है, ट्रीटमेंट? यस. सबसे पहले पेशेंट्स को 200,000 इंटरनेशनल यूनिट और 110 मिलीग्राम ऑफ रेटिनोल्स गिवन ओरली ऑन 2 सक्सेसिव डे. आफ्टर दैट 100,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एवरी सिक्स मंथ टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 months टू 1 year एज. मीन्स 2 times उसको ये डोज पिलानी है साल में. आफ्टर दैट 200,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एवरी 6 months टू द चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 6 years. ठीक है. सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अब एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी को विटामिन ए एक्सेस हो देन व्हाट विल बी हैपन, दैट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए. सो अगर टॉक्सिसिटी विटामिन ए बॉडी के अंदर ज्यादा है देन पेशेंट्स को हैविंग नोजिया, वॉमटिंग, एनरोक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्टर्ब स्लीप, हेडेक, हेयर लॉस, और इवन दो उसका जो लीवर है उसका साइज भी बढ़ जाएगा. डेट इज द एनलार्ज ऑफ लीवर्स. अगर किसी बच्चे में हाइपर विटामिनोसिस है तो दैट कॉज ए डिजीज. दैट डिजीज इज कॉज हाइड्रोसिफालोस. क्या होता है? दैट इज अ कंडीशन इन विच हेड ऑफ द चाइल्ड इज इंक्रीज्ड. इसमें बच्चे का सिर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले बहुत बड़ा होगा. सो दिस इज द वन टॉपिक, दैट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इन माई यूट्यूब चैनल.